तो है गाइस, चाल चाल आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस फाइनली टिकटॉक का न्यू वर्जन आ चुका है, वर्जन 20.0.5। तो काफ़ी सारे लोगों का मुझे कमेंट्स देखने के लिए मिल रहा था कि आपने जो लास्ट वाला वर्जन हमें बताया था 19.0 वाला, वो वर्जन वीवो के फ़ोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो गाइस और भी काफ़ी सारे ऐसे डिवाइस है जिनमें सपोर्ट नहीं करता है या फिर नो नेटवर्क कनेक्शन, इस तरह का आपको प्रॉब्लम बार बार फेस करना पड़ता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं, ऐसे हिडन ट्रिक आपको बताऊंगा जो कि 100% वर्क करेंगे और आपका टिकटॉक 100% चलने वाला है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं किस तरह से आप टिकटॉक के न्यू वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको दिखाऊंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसका लिंक भी ले सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपको DM कर देना, वहाँ से मैं डायरेक्टली आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप टिकटॉक के न्यू लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं एकदम फ्री में। तो गाइस मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ पर एकदम क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन 9 या 10 है और आपको नो नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले ही आपको इस वाले ऐप को डाउनलोड करके रख लेना अपने फ़ोन के अंदर। ये वाला एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इस ऐप का नाम है नेटवर्क सिग्नल रिफ्रेशर, इसको आपको डाउनलोड कर लेना। इसका बेनिफिट आपको क्या होगा, अगर आपके डिवाइस में टिकटॉक नो नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आप इस ऐप के थ्रू फिक्स कर सकते हैं। कैसा आपको यूज़ करना है वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप डायरेक्टली यूज़ करना चाहते हैं टिकटॉक के न्यू वर्जन को और अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन 11 है तो आपको बस एक ही VPN का यूज़ करना है, वो है नेट कैप्सूल। इस वाले VPN का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आकर आप इसको बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। गाइस एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे टिकटॉक पर, कुछ तरह का एरर वहाँ पर दिखाई देता है और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा ID लॉगिन नहीं हो पाता है। तो गाइस मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ टिकटॉक के लेटेस्ट वर्जन पर जो कि 20.0.5 है, वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कैसे आपको वीडियो अपलोड करना है और साथ में अगर आपको ID लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप कैसे फिक्स कर सकते। सो गाइस सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेरा टिकटॉक स्टम पर चालू है और आगे मैं यहाँ पर आपको वीडियो अपलोड करके भी दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरा टिकटॉक यहाँ पर चल रहा है। तो गाइस अगर आपको यहाँ पर नो नेटवर्क कनेक्शन इस तरह का प्रॉब्लम आता है जब आप टिकटॉक यूज़ करते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करने का है इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना, नेटवर्क सिग्नल रिफ्रेशर, ठीक है। इसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको कुछ एड्स भी देखने के लिए मिलेंगे जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है और इसको कैंसिल कर देना जो भी एड्स यहाँ पर आएंगे। तो गाइस इस तरह का पॉपअप आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है स्टार्ट पे। तो गाइस नेटवर्क सिग्नल रिफ्रेशर इस ऐप को जब ओपन आप कर लेंगे इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको सिंपली करना है तीनों ऑप्शन को यहाँ पर छोड़ देना, सिर्फ जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो फर्स्ट में जो ऑप्शन है रिफ्रेश डिवाइस सिग्नल, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है और इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, रिफ्रेश वाईफाई, रिफ्रेश मोबाइल डाटा। तो अगर आप वाईफाई के थ्रू एक्सेस करते हैं अपने डिवाइस को तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है रिफ्रेश वाईफाई, और अगर आप सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं सिम कार्ड पे, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है रिफ्रेश मोबाइल डाटा। तो मैं इस टाइम पर वोडाफोन के यहाँ पर सिम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से रिफ्रेश मोबाइल डाटा पर क्लिक कर देता हूँ। और लेट गाइस तो अभी यहाँ से मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको यहाँ पर नॉन नेटवर्क कनेक्शन ये प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो उसके बाद आपको करने क्या है, डायरेक्टली आप यहाँ पर टिकटॉक ओपन नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे में क्या होता है काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन में न्यू वर्जन सपोर्ट नहीं करता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर करने क्या है, इस वाले VPN को डाउनलोड कर लेना है, नेट कैप्सूल। ये वाला VPN आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस इस VPN का मेन पर्पज़ क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है प्रॉक्सी विल बी प्रोटेक्टेड एंड IP विल बी चेंज, जो भी आपका IP एड्रेस है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो बैन विल बी अनलॉक, यानी जो भी बैन यहाँ पर साइट है ऐप्स है उसको ये अनलॉक कर देगा। तो गाइस यहाँ पर आपको सिंपली टैप टू कनेक्ट पर एक बार क्लिक कर देना है, तो कुछ सेकंड यहाँ पर लेगा इसको कनेक्ट होने में। ऑटोमेटिक यहाँ से बेस्ट लोकेशन जो भी रहेगा जहाँ पर बैन नहीं है टिकटॉक उसको यहाँ पर फाइंड करेगा और ऑटोमेटिक यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको ये डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस उसके बाद यहाँ पर ये पूछेगा गेट 1 आवर्स VPN कितने टाइम के लिए आपको चाहिए, तो चाहे तो यहाँ से आप गेट लेटर पे कर सकते हैं और यहाँ से आप टाइम भी इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस टाइम पर कितने मिनट के लिए मिला, 1 आवर्स 29 मिनट के लिए हमें यहाँ पर फ्री मिल चुका है, इतने टाइम तक आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं टिकटॉक। तो गाइस यहाँ से हमारा VPN कनेक्ट हो चुका है, उसके बाद में डायरेक्टली आपको यहाँ पर करने क्या है, यहाँ पर आपको टिकटॉक ऐप को ओपन कर लेना। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो
वर्ज़न 20.0.5 ये वाला वर्ज़न मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, न्यू वर्ज़न है, लेटेस्ट वर्ज़न, इसी को आपको यूज़ करना है। तो गाइज इसको ओपन करने से पहले सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, स्टोरेज वाला ऑप्शन पे जाना है और सिर्फ आपको क्लियर डाटा एक बार करना है और कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। क्लियर डाटा कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आपको सिंपली रिस्टार्ट कर देना अपने फ़ोन को। फ़ोन को रिस्टार्ट करने के बाद में डायरेक्टली आपको यहाँ से टिकटॉक ओपन कर लेना है। तो गाइज जैसे आप टिकटॉक ओपन करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आपसे पूछी जाएगी, पॉलिसी और यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है, कॉमेडी फूड जो भी आप चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट और उसके बाद आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर आप देखिए टिकटॉक चालू हो चुका है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमारा वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाता, तो मैं चलिए यहाँ पर आपको वीडियो भी अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने ऑलरेडी वीडियो शूट करके रखा है। तो बस यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैं डायरेक्टली आपको वीडियो अपलोड करके भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ टिकटॉक के लेटेस्ट वर्जन में। तो सिंपली मैंने वीडियो ऑलरेडी इसको शूट करके रखा है, यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से डायरेक्टली मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो कोई भी मुझे अपलोड में यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो पा रही, मैं जस्ट इसको ओनली मी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो भी यहाँ पर अपलोड हो रहा है, ऊपर के साइड में आप देख पा रहे हो। तो गाइस जो लेटेस्ट वर्जन है वो सभी डिवाइस में सपोर्ट करने वाला, चाहे आप वीवो यूज़ करते हो, चाहे ओप्पो, वन प्लस, हुआवी, सैमसंग, व्हाटएवर, कुछ भी आप यहाँ पर फ़ोन यूज़ करते हो, सब में ये ट्रिक काम करने वाली है। और लड़ाई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% मेरा वीडियो यहाँ पर अपलोड हो चुका है, यहाँ पर मैंने थोड़ा भी स्किप नहीं किया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये रहा मेरा वीडियो, जस्ट मैंने इसको अपलोड किया है। तो आज ये वर्ज़न 100% वर्किंग है, कोई भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है।